क्या हाँ Welcome back to gravity circle. और guys, पढ़ रहे हैं and guys, uh, कहां तक गए थे? देखो एक, एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं कि जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो काफी सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर ये एक्सटेंसिव और इंटेंसिव एक्सट्रेंसिक और इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी कहां है तो आप लोगों को ये मिल जाएगी इंथेल्पी वाले कॉलम के अंदर <coughs> वहां पर जरूर एक बार डिस्कस कर लेंगे लेकिन क्या है थर्मोडाइनेमिक्स आप लोगों के लिए एकदम नई चीज है तो नई चीजों का जो टर्मिनोलॉजीज हैं जो बेसिक बातें हैं जब तक वो समझोगे नहीं आगे बढ़ोगे कैसे इसलिए मैंने आपको एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है कैसे पता करोगे सब पहले बता दिया आज की क्लास में हम थर्मोडाइनेमिक्स के टॉपिक के अंदर एंटर करने वाले हैं अब हम लोग आज से थर्मोडाइनेमिक्स पढ़ने वाले लेकिन मैं बता दूं जो बच्चे प्योर एनसीआरटी फॉलो कर रहे हैं उनको आज का वीडियो भी शायद बुक में एक या दो लाइन के अंदर मिले वो भी वर्क और हीट के अंदर तो गाइस आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है मैं एन वाले पैटर्न पर आ जाऊंगा फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो मैं आपको बताऊंगा लेकिन यहां पर आप लोगों को जैसा मैं थर्मोडाइनेमिक्स पढ़ा रहा हूं आप लोग प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट वैसा पढ़ो आप लोगों को कोई जरूरत नहीं एनसीईआरटी उठाने की लेकिन चैप्टर खत्म होने के बाद मैं गारंटी देता हूं कि तुमसे एक भी क्वेश्चन छूट जाए सारे क्वेश्चन बनेंगे जेई नीट तक के क्वेश्चन बनेंगे लेकिन पैटर्न मेरा वाला फॉलो करना पड़ेगा पर्सनली आई डोंट लाइक एनसीईआरटी एनसीईआरटी में दिया थर्मोडाइनेमिक्स सिर्फ ऐसा है कि जब तुम पिज्जा ऑर्डर करते हो और पिज्ज़ा खोलते हो तो जो टॉपिंग्स होती है पिज्जा की वो कवर पे चिपक जाती है तो वो बिना टॉपिंग्स वाला पिज्जा है लेकिन पिज्जा तब खाने में मजा आता है जब ऊपर टॉपिंग्स डली हुआ हा भूख लग गई वाह वाह ठीक है तो गाइज इट्स अ रिक्वेस्ट दैट क्लोज डाउन ऑल द बुक्स एन अगर है तो सबसे पहले उसको बंद करो वी डोंट वॉन्ट टू फॉलो एन राइट नाउ बिल्कुल जरूरत नहीं है जो मैं पढ़ा रहा हूं वो फॉलो करो फिर जब चैप्टर खत्म हो जाएगा फिर मेरे से बात करना है कि सर क्वेश्चन बन रहे कि नहीं बन रहे नहीं बनेंगे एक एक क्वेश्चन कराऊंगा यहां पर कराऊंगा यूट्यूब पर लेकिन पहले जैसा मैं पढ़ा रहा हूं वैसा पढ़ो अब बहुत सारे बच्चे नीचे कमेंट सेक्शन में लगेंगे वीडियो स्टार्ट सेट टू मिनट थर्टी सिक्स सेकेंड अब तुम भी सुन लो तुमने तो सुन लिया बाकी गरीबों को भी सुनने दो तो, ऐसा मत करो यार ठीक है चलिए तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक आज का वी आर एंटरिंग इन टू दर्मो डायनेमिक्स इन द वर्ल्ड ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स इसकी बारह के डेर दैट इज स्टेट ऑफ अ सिस्टम वी आर गोइंग टू स्टडी द स्टेट ऑफ अ सिस्टम एंड स्टेट फंक्शन या ऐसा लिखना चाहिए मुझे स्टेट ऑफ अ सिस्टम कॉमा स्टेट फंक्शन एंड स्टेट वेरिएबल बहुत माइन्यूट चीज है बहुत बारीक चीजें पढ़ेंगे और यह पढ़ने के बाद ही तुम लोगों को कई सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे मैं बता रहा हूं झूठ नहीं बोलूंगा जब मैं पढ़ा रहा था मुझे भी डाउट आया था मैं पढ़ा रहा था मुझे डाउट आया मैंने चार पांच किताबें छानी चार पांच आर्टिकल छाने वीडियो रीशूट करा झूठ नहीं बोलूंगा तुम लोगों से लेकिन क्यों शूट करा वापस से ताकि आपको एक एक चीज समझ में आए तो जब मैं पढ़ा रहा था और मुझे कुछ चीज में लोचा लगा तो मैंने बोला नहीं मेरे प्यारे बच्चों को भी लोचा लगेगा तो अब वो लोचे को अपन ने क्लियर किया है और अब हम लोग यहां पर इसको डिटेल में पढ़ेंगे ठीक है स्टार्ट करें चलिए तो वॉट इज स्टेट ऑफ अ सिस्टम स्टेट फंक्शन एंड स्टेट वेरिएबल यहां से हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं आज के वीडियो में तो क्या आप लोग सबसे पहले अपनी आंखें बंद करो और जल्दी से सिस्टम को रिकॉल करो क्या था सिस्टम सर सिस्टम वो मैटर का टुकड़ा था सिस्टम वो मैटर था जिसकी हम स्टडी कर रहे थे हम जिस मैटर की स्टडी कर रहे थे वो हमारा सिस्टम है जैसे मान लो ये मेरे पानी की बोतल है इस पानी की बोतल के अंदर जो पानी है हम इस पानी पर कुछ स्टडी कर रहे हैं तो ये हमारा सिस्टम है अच्छा पानी किसके अंदर है बोतल तो ये जो बोतल की दीवारें हैं ये इसकी बाउंड्री है और ये जो आसपास इसके एयर है ये जो कमरा है मैं हूं आप हो बैक पाइपर सोडा है ये सब क्या है ये सब सराउंडिंग है और ये और हम सब मिलकर क्या बनाते हैं यूनिवर्स तो वी ऑल नो सिस्टम क्या है कोई दिक्कत ना अगर मान लो हाँ तू पहले गिर जा बेटा तू पहले गिर जा हाँ तो अगर मान लीजिए मैं सिस्टम की बात करूं तो सिस्टम हम सब लोगों को क्लियर है नाउ व्हाट इज स्टेट ऑफ अ सिस्टम वॉट इज स्टेट ऑफ अ सिस्टम तो मान लो ये मेरे पास में सिस्टम है दिस इज माई सिस्टम और यहां पर मैंने कुछ टर्म ले ली लाइक अभी मैंने प्रेशर 180M, वन ए एम टेम्परेचर तीन सौ और मोल्स वन मोल ले रखे मैंने यहां पर ये तीन कंडीशन वेरीफाई कर दी यहां पर मैंने ये तीन चीजें लिख के रख दी कि इस चीज का सिस्टम का यानी हमारे आसपास का प्रेशर कितना है कितना थ्री हंड्रेड केल्विन और सिस्टम के अंदर जो भी चीज की मैं स्टडी कर रहा हूं उसके मोल कितने वन मोल तो गाइस इस सिचुएशन में इस गिवन सेट ऑफ कंडीशन में मेरे सिस्टम की कंडीशन क्या है मेरा सिस्टम किस कंडीशन में है उसे बोला जाएगा स्टेट ऑफ अ सिस्टम तो व्हाट इज स्टेट ऑफ अ सिस्टम तो हम लोग बोलेंगे सिस्टम की कंडीशन क्या तो हम लोग बोलेंगे द कंडीशन द कंडीशन ऑफ अ सिस्टम इज कॉल्ड एज स्टेट ऑफ अ सिस्टम आपके सिस्टम का कंडीशन क्या है उसे क्या बोला जाएगा स्टेट ऑफ अ सिस्टम लेकिन क्या मैं किसी भी सिस्टम की स्टेट को कैसे पता लगा सकता हूं उसके लिए मुझे कुछ इस प्रकार की प्रॉपर्टीज चाहिए और ये प्रॉपर्टीज भी कैसी होनी चाहिए दीज शुड दिस शुड बी मेजरेबल प्रॉपर्टीज जिसे आप मेजर कर सको लाइक like मैं प्रेशर टेम्परेचर मोल्स ये मैं मेजर कर सकता हूँ तो ऐसी मेरे पास में कुछ मेजरेबल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए क्या यह बात समझ में आ गई तो यह इस टाइप की जो मेजरेबल प्रॉपर्टीज होती है इन्हें कहा जाता है स्टेट वेरिएबल या स्टेट फंक्शन क्या यह बात क्लियर हुई मेरे प्यारे बच्चों ठीक यानी कि व्हाट इज स्टेट वेरिएबल एंड स्टेट फंक्शन तो हम लोग बोलेंगे द मेजरेबल प्रॉपर्टीज द मेजरेबल प्रॉपर्टीज

फिर से एक बार रिपीट करते हैं एक गिवन सेट ऑफ कंडीशन पे लाइक like एक एटीएम प्रेशर 300 सौ कैलविन टेम्परेचर और एक मोल सब्सटेंस या एक मोल मैटर इस सिस्टम के अंदर भरा हुआ है इस गिवन सेट ऑफ प्रॉपर्टीज पर इस सिस्टम की कंडीशन क्या है उसे बोला जाएगा कंडीशन ऑफ अ सिस्टम और उसे भी बोला जा सकता है स्टेट ऑफ सिस्टम और किसी भी सिस्टम की स्टेट या उसकी कंडीशन पता लगाने के लिए आप लोगों के पास में कुछ मेजरेबल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए और इन्हीं मेजरेबल प्रॉपर्टीज को स्टेट वेरिएबल बोला जा सकता है एक बात और समझते हैं ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जो स्टेट वेरिएबल कहला सकती है जैसे प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम मास इंथेल्पी एंट्रोपी गिब्स फ्री एनर्जी एक्सेट्रा हम लोग फर्स्ट सेकेंड पार्ट में थर्ड पार्ट में आई थिंक इसको देखकर आए थे ये एनर्जी वगैरह यह इंथेल्पी एंट्रोपी गिब्स फ्री एनर्जी ये सब किसके टाइप है एनर्जी के टाइप है तो यह सब किसका एक एग्जाम्पल हो गया आपके स्टेट वेरिएबल का ये आपके स्टेट वेरिएबल का एग्जाम्पल हो गया मतलब आप इन प्रॉपर्टीज को चेक करके इन प्रॉपर्टीज को मेजर करके आप एक सिस्टम का स्टेट पता लगा सकते हैं और अच्छे से इसको समझो अभी मैंने समझा है कि ये मेरे बोतल के अंदर जो पानी इतना दिख रहा है आपको ये क्या है ये सिस्टम है अब मैं देखता हूं कि इस बोतल के अंदर पानी का वॉल्यूम कितना है मान लो ये वॉल्यूम 300 सौ है यानी पानी कितना हो गया 300 सौ क्या मैं 300 सौ के मोल्स निकाल सकता हूं हां क्या मैं इसका मास निकाल सकता हूं हां क्या मैं थर्मोमीटर डाल के इसका टेम्परेचर निकाल सकता हूं हां क्या मैं इसके द्वारा लगाए जाने वाला प्रेशर निकाल सकता हूं हां अब मैंने क्या करा पानी पी गया अब पानी कम हो गया अब पानी ढाई सौ एम हो गया तो पानी ढाई सौ एम हो गया तो पानी के द्वारा लगाया जाने वाला प्रेशर भी कम हो जाएगा पानी का मास यानी पानी की जो क्वांटिटी है वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा समझ रहे हो तो अगर मैं पानी की वॉल्यूम को पानी के द्वारा लगाए जाने वाले मेजर प्रेशर को मेजर कर लू तो मैं पानी के स्टेट को मेजर कर सकता हूं अब जब इनिशियली पानी का वॉल्यूम ज्यादा था तो पानी एक अलग स्टेट कहलाएगा में बोला जाएगा पानी का स्टेट अलग है और जब मैंने पानी पी लिया जब पचास एम एल पानी पी लिया तो पानी की क्वांटिटी ढाई सौ रह गई पानी की क्वांटिटी 250 फिफ्टी रह गई मतलब पानी का स्टेट बदल गया सिंपल सी बात वॉल्यूम बदला स्टेट बदला प्रेशर बदला स्टेट बदला टेम्परेचर बदला स्टेट बदला मोल्स बदले स्टेट बदला समझ गए बात को और आपने एक बात अभी नोटिस करी कि मैंने आपसे कहा कि पानी पहले शुरू में तीन सौ था मैंने पी लिया अब ढाई सौ बचा तो हम इनिशियल और फाइनल कंडीशंस की बात करें कि शुरुआत में पानी कितना था अब पानी कितना है तो एक बात हम लोग सब ध्यान रखेंगे दैट दिस स्टेट वेरिएबल्स दिस स्टेट वेरिएबल ओनली डिपेंड्स ऑन ओनली डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड द फाइनल वैल्यू इस बात को स्टार बनाकर एक डब्बा बनाकर लिख लो कि ये जो तुम्हारे स्टेट वेरिएबल्स होते हैं यह सिर्फ इनिशियल और फाइनल वैल्यू पर डिपेंड करेंगे फॉर एग्जाम्पल अगर अपन इस सिस्टम की बात कर रहे हैं तो आपसे बोला जाएगा कि जब प्रेशर इतना टेम्परेचर इतना और मोल्स इतना था तो सिस्टम का एक कंडीशन रहा होगा या ये सिस्टम की स्टेट है अब हम इसको बदल दें प्रेशर वन एटीएम कर दो तो इनिशियल और फाइनल मोल्स में बदलाव आ गया तो सिस्टम का स्टेट भी बदल गया इस हिसाब से हम लोग सिर्फ किस पर फोकस करेंगे कि स्टेट वेरिएबल्स जो होते हैं इन स्टेट वेरिएबल्स का सिर्फ हमें क्या लेना है इनिशियल और फाइनल वैल्यू हमें ये नहीं देखना है कि इनिशियल से फाइनल वैल्यू कैसे आई मतलब आप लोगों को बस यह देखना है कि बॉटल में पहले 300 सौ एम एल थ्री हंड्रेड एम था और बाद में 250 फिफ्टी एम रह गया आप किसी से यह नहीं कहोगे कि सर पी गए बोला तो दूंगा एक <laughs> समझ रहे हो मतलब आपको ये किसी को बताना नहीं है कि पानी 50 एम कम कैसे हुआ बस हो गया उसको क्या बोलेंगे स्टेट वेरिएबल क्या ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत तो वॉट आर वो हाउ वी कैन डिफाइन स्टेट ऑफ अ सिस्टम स्टेट ऑफ अ सिस्टम नथिंग बट द कंडीशन ऑफ अ सिस्टम कंडीशन ऑफ अ सिस्टम कब जब कुछ स्टेट वेरिएबल आपको दे रखे हों और स्टेट वेरिएबल क्या दे रखे होंगे स्टेट वेरिएबल वो प्रॉपर्टी होती है जिसे हम मेजर कर सकते हैं सीधी सी बात वो प्रॉपर्टीज जिसे मैं मेजर कर सकता हूँ मैं पानी में थर्मोमीटर डाल के पहला टेम्परेचर ले लूँ और बाद में कुछ उसके साथ उल उड़ करके बाद में फिर उसका टेम्परेचर ले लूँ तो इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर मैंने चेक कर लिया अगर चेंज होता है तो मैं कहूँगा पानी का स्टेट चेंज हो गया और अगर इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर सेम रहता है तो मैं कहूँगा पानी का स्टेट सेम है क्योंकि टेम्परेचर सेम है तो स्टेट फंक्शन या स्टेट वेरिएबल आर द मेजरेबल प्रॉपर्टीज जो आपको किसी सिस्टम की कंडीशन के बारे में या उसकी प्रेजेंट स्टेट के बारे में बताएगा क्या यह बात अच्छे तरीके से क्लियर हो गई कोई दिक्कत के अंदर किसी भी तरीके की और स्टेट वेरिएबल के एग्जांपल पी टी वी मास मोल्स एंट्रोपी एंट्रोपी इंथेल्पी गिव्स फ्री एनर्जी एक्सेट्रा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे बच्चों फिर मैं आपको आगे लेके चलता हूं बहुत बढ़िया बहुत शानदार चलिए एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं और अब मैं आपको स्टेट वेरिएबल और स्टेट फंक्शन में एक ऐसा खतरनाक डिफरेंस बताने वाला हूं जो अभी तक शायद आपने कहीं देखा नहीं होगा और ना कोई आपको पढ़ाता है लेकिन यह बहुत जरूरी है लेट्स इमेजिन वी हैव एन आइडियल गैस चलिए हमारे पास क्या है एक आइडियल गैस है और आइडियल गैस के लिए आप एक फॉर्मूला यूज करते हो पी वी इज इक्वल टू अब मान लीजिए आपके पास में इस आइडियल गैस का वॉल्यूम टेम्परेचर एंड मोल्स ये तीन वैल्यूज आपको दे रखी है दिस थ्री वैल्यूज आर गिवन और आर की वैल्यू तो कांस्टेंट होती है तो अब आप क्या करोगे प्रेशर इज इक्वल टू एन आर टी वी का फॉर्मूला लगाकर आप प्रेशर की वैल्यू को क्या कर लोगे कैलकुलेट कर लोगे आप प्रेशर की वैल्यू को क्या करोगे सिर्फ कैलकुलेट कर लोगे मतलब ये कि अगर आपको कुछ स्टेट वेरिएबल की कुछ स्टेट वेरिएबल की वैल्यूज मेजर करके दे दी जाए नाप के दे दी जाए तो आप कुछ ऐसे स्टेट वेरिएबल्स होते हैं जिनकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर लो आपको इसको मेजर करने की जरूरत नहीं है मतलब अगर एक आइडियल गैस का आपके पास में वॉल्यूम टेम्परेचर और मोल्स दे रखे हों तो आप उसका प्रेशर कैलकुलेट कर लो आपको इसको मेजर करने की नापने की या एक्सपेरिमेंट करके ओरिजिनल वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है आप इसे कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हो तो अब एक बात ध्यान रखना व्हाट आर स्टेट फंक्शन स्टेट फंक्शंस आर द कैलक्यूलेटेड प्रॉपर्टीज ये वो प्रॉपर्टीज होती है जो क्या की जाए कैलक्यूलेट की जाए तो यहां पर प्रेशर मेरे लिए क्या कहलाएगा स्टेट फंक्शन वहीं पर मेरे लिए टेम्परेचर वॉल्यूम एंड मोल्स क्या कहलाएंगे स्टेट वेरिएबल इसको और अच्छे से समझते हैं कैसे अब जब इस आइडियल गैस पर मैं कुछ एक्सपेरिमेंट करूंगा तो आइडियल गैस का वॉल्यूम टेम्परेचर और मोल्स चेंज हो जाएंगे तो क्योंकि मैंने पहले भी वॉल्यूम मेजर किया है इनिशियल वॉल्यूम मैं फाइनल वॉल्यूम भी मेजर कर लूंगा मैं फाइनल टेम्परेचर भी मेजर कर लूंगा मैं फाइनल मोल्स भी मेजर कर, कर लूंगा तो अगर इन तीनों में से मान लो सिर्फ वॉल्यूम बदला तो वॉल्यूम बदलेगा तो यहां पर नो डाउट कैलकुलेशन में प्रेशर भी बदल जाएगा तो ये वेरिएबल है ये बदलेंगे तो ये भी बदल जाएगा तो आप स्टेट फंक्शन क्या बोलेंगे सिंपल सी भाषा में वो प्रॉपर्टी जो आपने कैलकुलेट करी है मैथमेटिकली कैलकुलेट करी है और स्टेट वेरिएबल क्या होते हैं दीज आर द प्रॉपर्टीज दीज आर द प्रॉपर्टीज क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत पक्की बात हल्का फुल्का लॉजिक था पर डिफरेंस समझ में आया इट इज वेरी इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों ये बहुत जरूरी है इसको ध्यान से देख लीजिए अब एक बात और बताता हूं बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसको भी सब स्टार बना के लिखेंगे इंटरनल एनर्जी भाई इंटरनल एनर्जी इज अ टाइप ऑफ एनर्जी अभी आप क्या समझेंगे इंटरनल एनर्जी इज अ टाइप ऑफ एनर्जी इंटरनल एनर्जी यू देन आप एक वर्ड और याद रखेंगे इंथेल्पी यानी कि ई देन आपकी गिब्स फ्री एनर्जी आप लोग सब जानते ही हो ये सब जो गिब्स एनर्जी वगैरह ये सब है ये सब किसके टाइप है एनर्जी के ये सब किसके टाइप है एनर्जी के गिब्स एनर्जी डिनोटेड बाय एस ये सब किसके टाइप है एनर्जी के मैं आपको एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी कैलकुलेट करते वक्त ये सिखा चुका हूं कि ये सब किसके टाइप है ऑल दीज आर टाइप ऑफ एनर्जी दीज ऑल आर द टाइप ऑफ एनर्जी एनर्जी के अलग अलग टाइप जैसे पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होती है वैसे ये कुछ एनर्जीज है ये एनर्जी कभी मेजर नहीं की जा सकती प्रॉपर्टीज कैन नेवर बी मेजर्ड आप इसे कभी मेजर नहीं करोगे इन प्रॉपर्टीज को कभी मेजर नहीं किया जा सकता सिर्फ इन्हें क्या किया जा सकता है कैलक्यूलेट दिस प्रॉपर्टी कैन नेवर बी मेजर्ड दे कैन ओनली बी कैलक्यूलेटेड यह सिर्फ क्या की जा सकती है कैलक्यूलेटेड तो इन्हें आप स्टेट वेरिएबल बोलना पसंद करोगे कि स्टेट फंक्शन यस क्योंकि यह सिर्फ कैलक्यूलेटेड होती है तो यह स्पेसिफिकली क्या कहलाएगी स्टेट फंक्शन तो गाइज इस बात को हमेशा ध्यान रखना हमेशा ध्यान रखना कि सारे स्टेट वेरिएबल स्टेट फंक्शन हो सकते हैं जैसे प्रेशर को आप मेजर भी कर सकते हो और कैलकुलेट भी कर सकते हो तो सारे स्टेट वेरिएबल स्टेट फंक्शन हो सकते हैं लेकिन कुछ ऐसे स्टेट फंक्शन होते हैं जैसे इंटरनल एनर्जी इंथेल्पी गिब्स एनर्जी एंट्रोपी जो सिर्फ कैलकुलेट किए जा सकते हैं लेकिन मेजर नहीं किए जा सकते इसलिए स्टेट फंक्शंस सारे स्टेट फंक्शन स्टेट वेरिएबल नहीं हो सकते इस बात को नोट कर लो ये मेरे को किसी बुक में नहीं मिला ये मैंने बहुत रिसर्च मारी चार पांच आर्टिकल पढ़े उसके बाद मुझे यह चीज क्लियर आई तो यहां पर मैं आपको लिखवा देता हूं दैट ऑल स्टेट वेरिएबल बेटा एसवी मतलब स्टेट वेरिएबल ऑल स्टेट वेरिएबल आर स्टेट फंक्शन एस एफ बट ऑल एसेट फंक्शन आर नॉट स्टेट वेरिएबल इस पॉइंट को भी आप गोला बना कर, स्टार बनाकर लिख लो अब आप लोगों को इन बेसिक टर्मिनोलॉजी का एक एक पॉइंट एक एक फंडा हतो ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका है तो वॉट इज स्टेट ऑफ अ सिस्टम एक पर्टिकुलर स्टेट की एक पर्टिकुलर सिस्टम की कंडीशन एक सिस्टम की क्या कंडीशन है और एक सिस्टम की कंडीशन आप कैसे निकालोगे उसके स्टेट वेरिएबल को या तो मेजर करके या तो कैलकुलेट करके अगर इन स्टेट वेरिएबल के अंदर कोई बदलाव आता है तो सिस्टम के स्टेट में यानी उसकी कंडीशन में भी बदलाव आता है स्टेट वेरिएबल हमेशा मेजर किए जा सकते हैं और कुछ स्टेट वेरिएबल की मदद से आप कुछ दूसरी प्रॉपर्टीज़ को नॉर्मली कैलकुलेट भी कर सकते हो यानी हर किसी को मेजर करने की ज़रूरत नहीं है और जब आप उसे स्टेट वेरिएबल को जब आप कैलकुलेट करोगे तब उसका नाम स्टेट फंक्शन पड़ जाएगा जितने भी स्टेट वेरिएबल्स हैं वो सब स्टेट फंक्शन हो सकते हैं जैसे हो सकता है यहां पर आप फॉर्मूला बदल कर अब आपको जैसे टेम्परेचर निकालना हो तो टेम्परेचर निकालने के लिए आप करेंगे पी अपॉन एन आप ये फॉर्मूला लगा दो मतलब अगर आपके पास में प्रेशर वॉल्यूम और मोल्स अगर आपको नोन हो अगर यह आपको गिवन हो तो आप टेम्परेचर निकाल सकते हो तो अब यहां पर आपका टेम्परेचर स्टेट फंक्शन बन गया और ये तीनों आपके स्टेट वेरिएबल बन गए तो सारे स्टेट वेरिएबल जो यहां पर टेम्परेचर स्टेट वेरिएबल था अब वो यहां पर स्टेट फंक्शन बन गया क्योंकि आपने उसको कैलकुलेट किया है तो दुनिया के सारे स्टेट वेरिएबल स्टेट फंक्शन बन सकते हैं लेकिन कुछ स्पेसिफिक स्टेट फंक्शन ऐसे होते हैं जिनको आप सिर्फ कैलकुलेट करोगे आगे भी थर्मोडाइनमिक्स में मेजर कभी नहीं करोगे और अगर मेजर नहीं कर पाओगे तो वो हमेशा क्या कहलाएंगे स्टेट फंक्शन स्टेट वेरिएबल ये कभी नहीं कहलाएंगे तो आप इन चार लोगों को हमेशा स्टेट फंक्शन कह के बुलाओगे ना कि कभी स्टेट वेरिएबल अब इसको नोट कर लो अब आप लोगों को अच्छी चीज समझ में आ गई है अब हम थोड़ा और आगे डिटेल में बढ़ते हैं हाँ तो मेरे बाबू सोना ने थाना थाया मेरे स्टूडेंट के बाबुओं ने थाना थाया कि नहीं था चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बेसिक बात और डिस्कस करते हैं ताकि आपका जो नॉलेज है वो छप्पर फाड़ के चला जाए जब तुमको कभी स्कूल में वाले गलती से पढ़ाए तो तुम उनको पढ़ा दो बोलो हाँ मजा आया गेट गाइस जैसे मान लो एक कर्व बनाया मैंने प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का भाई बॉयल्स लॉ फॉलो करता है आइडियल गैस के लिए अपन बात कर रहे हैं तो, तो लेट्स से ये इनिशियल वॉल्यूम है वी वन और ये यहां पर तुम्हारा इनिशियल प्रेशर है पी वन अब मैंने कुछ करा और ये चेंज हो गया प्रेशर हो गया पी टू और वॉल्यूम हो गया वी टू <coughs> अब यहां पर स्टेट वेरिएबल या स्टेट फंक्शन का लेना देना सिर्फ इससे होता है दैट इज फाइनल वैल्यू एंड इनिशियल वैल्यू ये जो पाथ है ये इससे इसका कोई लेना देना नहीं होता क्या यह बात समझ में आ गई तो स्टेट वेरिएबल ऑलवेज डील्स विद द इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू तो आप लोग बोलेंगे दैट स्टेट वेरिएबल ओनली डील्स विथ द इनिशियल एंड द फाइनल वैल्यू जैसे मान लो अगर ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है तो हमें बस यह देखना है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना कितना बना रिएक्टेंट का वॉल्यूम कितना था प्रोडक्ट का वॉल्यूम कितना है रिएक्टेंट जब था तो उसका टेम्परेचर कितना था प्रोडक्ट बना तो उसका टेम्परेचर कितना है रिएक्टेंट के मोल्स कितने थे प्रोडक्ट के मोल्स कितने हैं रिएक्टेंट के द्वारा कितना प्रेशर लगाया जा रहा था और प्रोडक्ट के द्वारा कितना प्रेशर लगाया जा रहा है यह सिर्फ इसके साथ डील करेगा क्या यह बात समझ में आ गई आप लोगों को तो इसे बोला जाता है स्टेट फंक्शन क्या बोला जाता है स्टेट फंक्शन लेकिन अब अपन आगे चलते हैं अब मान लीजिए मेरे पास में एक बिल्डिंग है।, है इस बिल्डिंग में यहां पर एक लिफ्ट लगी हुई है और आप यहां पर खड़े हैं और आप बिल्डिंग को देखकर आपका सोना बाबू आपका सोना बाबू यहां पर खड़ा हुआ है और इसने छपरी निब्बा जैसे बाल बना रखे हैं छपरी निब्बी एंड छपरी निब्बा ये इसको देख के बोल रहा है ऊंची है बिल्डिंग अरे लिफ्ट तेरी बंद है कैसे मैं आऊ दिल है तो इसकी निब्बी बोलती है ओ आजा 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 छिछोरे सीढ़ी लेके आजा तेरी याद ऐसा है तू स्टे लेके आ जा तो ये स्टेर से भागता भागता अपनी निब्बी के पास पहुंच गया कोई दिक्कत कोई परेशानी तो यहां पर ये इनिशियल पॉइंट था और ये इसका फाइनल पॉइंट है तो अगर आप स्टेट वेरिएबल की बात करते हो तो आपको बस ये देखना है कि कुछ देर पहले लड़का यह बॉय नीचे था और यह गर्ल ऊपर थी एंड फाइनली यह लड़का इस लड़की के पास ऊपर आ चुका है बस तो अगर आप स्टेट वेरिएबल की बात करोगे तो आपको यह कहीं भी मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि ये लड़का स्टेयर से ऊपर गया या लिफ्ट से गया और दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि इसको इस लड़की के पास जाना ये लिफ्ट में जाए लिफ्ट इसे ऊपर ले जाए तो या तो यह लिफ्ट से चला जाए अगर लिफ्ट बंद नहीं है और अगर लिफ्ट बंद है तो स्टेयर से चला जाए कैसे भी जाए बस जाए तो यह इसका इनिशियल कंडीशन इस बॉय बादशाह और यह इसका फाइनल रेट समझ में आ गई बात आप लोगों को तो इसे बोला जाता है स्टेट वेरिएबल यानी कि यह कैसे गया कैसे हुआ उससे हमें कोई लेना देना नहीं है लेकिन प्यारे बच्चों हमारे पास यहां पर दो ऐसी चीजें हैं हमारे पास यहां पर दो ऐसी चीजें हैं जो इनिशियल और फाइनल को बात करने से ज्यादा फोकस करती है कि वो कैसे हुआ ये लड़का यहां से यहां कैसे पहुंचा ये अपने सीआईडी का ए सी प्रद्युमन है पता लगाओ दया ये लड़का ऊपर गया कैसे गया तो गया लेकिन गया कैसे तो यहां पर ऐसी प्रॉपर्टीज को एक नया नाम दिया जाता है इन्हें बोला जाता है पाथ फंक्शन क्या बोला जाता है पाथ फंक्शन यानी कि विच प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स ऑन द पाथ प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स ऑन द पाथ ऑन द पाथ विथ विच ऑन द पाथ विथ विच प्रोसेस टेक्स प्लेस यानी ये लड़का अगर नीचे से ऊपर गया तो कौन सा पाथ लेकर गया ये उस पर डिपेंड करेगी और पाथ फंक्शन के दो एग्जाम्पल हैं पहला वर्क भाई वर्क डन बाय द बॉय अब आप यहां पर देखो जब लड़का नीचे होगा और अगर ये सीढ़ी से ऊपर गया एक फ्लोर दो फ्लोर तीन फ्लोर और चार फ्लोर इतनी सीढ़ी चढ़ने के बाद जब गया होगा जब इस लड़के ने स्टेयर्स ली होगी तो इसकी बॉडी के द्वारा वर्क ज्यादा किया गया होगा इसके पैर थक गए होंगे क्यों क्योंकि इसकी बॉडी ने ज्यादा वर्क किया तो यहां पर वर्क डन बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि लड़का नीचे से ऊपर गया तो क्या थका, थका थका लग रहा है मतलब उसकी बॉडी ने ज्यादा वर्क किया और अगर लड़का सीधे लिफ्ट से टूंग ऊपर चला जाता है मतलब इसकी बॉडी ने कोई वर्क ही नहीं किया आराम से ऊपर पहुंच गया नॉर्मल लगेगा आपको इसको लिफ्ट ऊपर ले गई तो वर्क डन एक तरीके का पाथ फंक्शन है मतलब कितना वर्क किया एक प्रोसेस को शुरुआत से अंत तक ले जाने के लिए कितना वर्क किया यह देखना जरूरी है ये समझना जरूरी है तो हमारे पास में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज भी हैं जो थर्मोडाइनमिक्स में हम लोग पढ़ेंगे जो पढ़ना ज़रूरी है उनमें से पहली है वर्क कितना वर्क किया गया ज़्यादा वर्क किया गया मान लो आपको एक इंजन बनाना है जिसमें अभी आपकी काइनेटिक एनर्जी गाड़ी की कम है और इंजन चलने का आपकी काइनेटिक एनर्जी गाड़ी की बढ़ गई तो इतनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने के लिए यानी इनिशियल से फाइनल एनर्जी बढ़ाने के लिए आपके इंजिन ने कितना वर्क करा यह देखना पड़ेगा ना अगर आपके इंजिन को ज्यादा वर्क करना पड़ रहा है मतलब ज्यादा पेट्रोल कंज्यूम करेगा मतलब गाड़ी एवरेज कम देगी तो गाड़ी बनाने का कोई मतलब नहीं है लेकिन अगर तुम्हारा इंजिन एनर्जी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने के लिए वर्क कर रहा है लेकिन कम वर्क कर रहा है तो एवरेज ज्यादा निकालेगी गाड़ी मतलब यहां पर आप लोगों के लिए वर्क डन अपने आप में एक इंपॉर्टेंट फीचर है और दूसरी स्टेट फंक्शन जो आपके पास में प्रॉपर्टी आती है दैट इज कॉल्ड एज हीट हीट मतलब अगर मान लो मैं इस लड़के के बम पे आग लगा दू मैं इस लड़के के बम पे आग लगा दू तो ये सीढ़ी से भाग के जल्दी ऊपर पहुंच जाएगा क्योंकि आग लगी हुई है और अगर मैं इसके पीछे आग नहीं लगाऊं तो ये धीरे-धीरे चलेगा यो मैन यो मैन ऐसा करके चलेगा तो आप कितना हीट एक चीज को दे रहे हो उस पर भी प्रोसेस डिपेंड करेगी कि एक प्रोसेस इनिशियल से अगर मुझे फाइनल स्टेज तक ले जानी है फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आपको चाय बनानी है आपने एक पतीला ले लिया इसमें दूध चाय पत्ती वत्ती सब डाल ली और तुमने बहुत कम आंच पर लो फ्लेम पर तुम इस चाय को उबाल रहे हो तो क्या होगा चाय धीरे धीरे बनेगी यानी इनिशियली से फाइनल पहुंचने में समय लगाएगी लेकिन अगर तुम इसका हाई फ्लेम कर दो भट्टी पे चढ़ा दो तो क्या होगा अगर आग तेज कर दो हाई फ्लेम पर कर दो तो क्या होगा जल्दी हो जाएगी इनिशियल से फाइनल जल्दी पहुंच जाएगी तो यह भी पार्ट फंक्शन यानी तुमने चाय बनाने के लिए कौन से पात का इस्तेमाल किया क्या तुमने आग यूज करी तुमने उस पतीले को हीट दी हाँ तो कितनी दी कम दी कि ज्यादा दी ज्यादा दी मतलब जल्दी बन गई होगी तो ये दो ऐसे फंक्शन है जो क्या कहलाएंगे आपके पात फंक्शन तो गाइस इन दो चीजों को भी आप लोगों को बिल्कुल अपनी नोटबुक में अच्छे तरीके से शानदार तरीके से लिख के रखना है कि ये दो ऐसी प्रॉपर्टीज है जो किस पर डिपेंड करती है पाथ पर बाकी टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम आपकी एनर्जी है ना टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम मोल्स एनर्जी इंटरनल एनर्जी एंट्रोपी इंथेल्पी गिब्स फ्री एनर्जी वगैरह वगैरह वो सब क्या है पांच फंक्शन या पांच वेरिएबल वो अपन ने वहां पर उन दोनों को सेपरेट कर लिया है मतलब वो इनिशियल और फाइनल देखना है कि ये इनिशियल था ये फाइनल था बस ख़त्म लेकिन वर्क और हीट जब हम पढ़ेंगे जब हम वर्क और हीट देखेंगे तो हमें इसके पाथ को पढ़ना है कि ये किस प्रकार से इसने रिएक्शन को या प्रोसेस को शुरू से आखिरी तक पहुंचाया है। समझ में आ गई बात इतना चीज क्लियर हुआ ठीक है बहुत बढ़िया अब इसी से जुड़ा हुआ हमारे पास में एक नया टॉपिक आता दैट इज थर्मोडाइनेमिक प्रोसेसेस क्या आ रहा है नया वर्ड थर्मोडाइनेमिक प्रोसेसेस तो सब बच्चे हेडिंग चढ़ा लें फटाफट फड़ से और लिखे छर्मा ठा डाइनामिक थर्मो डायनेमिक प्रोसेस का मतलब होता है पाथ अलोंग विच अ प्रोसेस टेक्स प्लेस एक ऐसा पाथ जिसके अलोंग एक प्रोसेस कंप्लीट करी गई यानी एक इनिशियली कुछ उसका स्टेट था अब उसका कुछ फाइनली स्टेट है और ये स्टेट कैसे आया इसे बोला जाएगा थर्मोडाइनेमिकल प्रोसेस क्या बोला जाएगा थर्मोडाइनेमिकल प्रोसेस तो आप इसकी स्टेटमेंट क्या लिखेंगे व्हाट इज थर्मोडाइनेमिक प्रोसेस थर्मोडाइनेमिक प्रोसेस इज द पाथ अलोंग विच इज अ पाथ अलोंग विच अ प्रोसेस टेक्स प्लेस अलोंग विच अ प्रोसेस टेक्स प्लेस क्या ये बात समझ में आ गई ये वो पाथ है जिसके थ्रू केमिकल रिएक्शन की गई होगी जिसके थ्रू केमिकल रिएक्शन करी गई होगी ठीक है चलिए एक एक करके सारे नाम पढ़ना स्टार्ट करते हैं मैं यहां पर आइडियल गैस के लिए बात कर रहा हूं और बॉयल्स लॉ का कर्व ले रहा हूं यह इतना आप स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ के आ चुके हो सबसे पहली प्रोसेस में यहां पर लेता हूं आइसो थर्मल प्रोसेस क्या ले रहा हूं आइसो थर्मल प्रोसेस नाउ आइसो मतलब सेम एंड थर्मल मतलब टेम्परेचर मतलब यह प्रोसेस कैसी हो रही होगी यह प्रोसेस हो रही होगी एट कांस्टेंट टेम्परेचर वेयर टेम्परेचर चेंज विल नॉट टेक प्लेस यानी डेल्टा टी इज जीरो अब डेल्टा टी जीरो कैसे आया होगा तो आप देखिए व्हाट इज डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर टी फाइनल माइनस टी इनिशियल यानी ये जो प्रोसेस में कर रहा हूं इस प्रोसेस करते वक्त जो फाइनल टेम्परेचर था और जो इनिशियल टेम्परेचर है वो क्या रहेगा बराबर इसलिए दोनों की वैल्यू क्या हो गई जीरो चीज कब अचीव की जा सकती है जब आपके सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में हीट एक्सचेंज पॉसिबल हो बहुत ध्यान से सुनना इन चीजों को तभी आप कर पाओगे वरना मजा नहीं आएगा तो क्या बोला मैंने जब आपके सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट एक्सचेंज पॉसिबल हो कैसे होगा समझना बात को हम लोग सब जानते हैं हीट एक प्रकार की एनर्जी है जिस सिस्टम में हीट ज्यादा होगी वो सिस्टम ऑटोमेटिकली तुम्हें बोलेगा कि इसका टेम्परेचर ज्यादा है मान लो इस कमरे में अगर गर्मी बहुत है और मैं गाना गा रहा हाय गर्मी गर्मी मतलब मतलब ज़्यादा 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 है 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 आप बोलोगे चालीस डिग्री पचास डिग्री फिर मैं अगर टेम्परेचर कम कर दूंगा तो टेम्परेचर कम मतलब हीट कम हो गई अब गर्मी नहीं लग रही है तो यहां पर अगर मैं चाहता हूं कि प्रोसेस के वक्त टेम्परेचर चेंज ना हो टेम्परेचर जितना शुरुआत में था उतना ही फाइनल रहे तो मुझे सिस्टम और सराउंडिंग को ऐसा मैनेज करना होगा कि हीट एक्सचेंज होता रहे अब मान लो ये आपका सिस्टम है और ये आपका सराउंडिंग है प्रोसेस करते वक्त केमिकल रिएक्शन करते वक्त कोई थर्मोडाइनेमिक प्रोसेस करते वक्त अंदर की हीट बढ़ने लगी मतलब अंदर का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा तो तुरंत हमें क्या करना होगा अंदर की हीट को सराउंडिंग में फेंकना होगा हम लोग सब जानते हैं एनर्जी हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ जाती है तो जब सिस्टम में हीट बढ़ेगी तो वो सराउंडिंग की तरफ जा सकेगी आपने यहां पर सिस्टम कैसा लिया हुआ है आपने यहां पर ओपन या क्लोज लिया हुआ है आप क्लोज सिस्टम ले लो क्लोज सिस्टम जिसमें एनर्जी का फ्लो पॉसिबल है या ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारा सिस्टम जो काम कर रहा है ये बहुत ज्यादा कूल हो गया हो और सिस्टम उसके मुकाबले गर्म हो गया तो सिस्टम की गर्मी अंदर आने लगेगी और टेम्परेचर को बैलेंस कर देगी तो आप लोगों को यहां पर यह फंडा याद रखना हाँ बेटा पहले तू गिर जा आप लोगों को यहां पर यह फंडा याद रखना है कि अगर आपको एक प्रोसेस करनी है आइसोथर्मल तो आपको टेम्परेचर और प्रेशर सॉरी टेम्परेचर आपको यहां पर कांस्टेंट रखना पड़ेगा तो आपको कर्व जो मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा ये आपका इनिशियल वॉल्यूम वी वन और इनिशियल प्रेशर पी वन और ये आपका फाइनल प्रेशर पी टू और फाइनल वॉल्यूम V2 टू और ये पूरी प्रोसेस करते वक्त हमने टेम्परेचर क्या रखा कांस्टेंट इसलिए इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस इज देर एनी काइंड ऑफ डाउट कोई दिक्कत तो नहीं इजी है मेरे ख्याल से कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए खुचुक से इसका स्क्रीन शॉट ले लो ताकि अपन आगे बढ़ सके लेट्स मूव गाइस चलिए आइसोथर्मल प्रोसेस के बाद आप लोग सोच रहे होंगे कि आज सर मिमिक्री नहीं कर रहे हैं मस्ती नहीं कर रहे हैं बेटा टॉपिक सीरियस है <laughs> सीरियस है तुम्हारे तो मन में बाबू सोना चल रहा है मेरे बाबू ने थाना थाया मेरे बाबू ने मम पिया मेरे बाबू का कल्ला है इंस्टा पर किसी से चैट तो नहीं कर रहा है ऐसा करते हो तुम लोग कर लो मेरा क्या जा रहा करो अच्छी बात है करना चाहिए भाई दुनिया में आए हो तो लव कर लो एडायबेटिक प्रोसेस भाई एडायबेटिक प्रोसेस का मतलब होता है देर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट यहां पर हीट का कोई एक्सचेंज नहीं होगा मतलब डेल्टा क्यू विल रिमेन जीरो नाउ व्हाट इज डेल्टा क्यू चेंज इन हीट व्हाट इज डेल्टा क्यू चेंज इन हीट यानी कि डेल्टा क्यू निकालने के लिए आपको क्यू फाइनल यानी फाइनल हीट ऑफ द सिस्टम एंड इनिशियल हीट ऑफ द सिस्टम यह फॉर्मूला लगाना पड़ेगा तो यहां पर क्यू फाइनल और क्यू इनिशियल क्या रहेगा एक दूसरे के बराबर रहेगा तो बराबर वैल्यू होने की वजह से क्यू की वैल्यू क्या हो जानी है जीरो तो ऐसी प्रोसेस जो आपको ऐसे टाइम करनी है जब कोई हीट का एक्सचेंज पॉसिबल नहीं हो और बेटा हीट एक प्रकार की एनर्जी है और अगर आपको इसके हीट को रोकना है तो आपको यहां पर आइसोलेटेड सिस्टम का इस्तेमाल करना पड़ेगा यह प्रोसेस सिर्फ कब की जा सकती है जब आपने कैसा लिया हो सिस्टम आइसोलेटेड अब जब आइसोलेटेड सिस्टम भी लिया है तो ऑब्वियसली अगर हीट में कोई बदलाव नहीं आएगा मतलब टेम्परेचर में भी कोई बदलाव नहीं आएगा तो ये वाला कर्व भी आपको बहुत कुछ ऐसा ही मिलेगा तो इसको अपन ऐसा बना लेते हैं ये कुछ आपको ऐसा कर्व मिल जाएगा थोड़ा सा इसको अपन हल्का सा कर्व देंगे ये ऐसा तो ये आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा और ये कहलाएगा अडायाबैटिक है ना ये क्या कहलाएगा एडायाबैटिक वे आर देर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट तो ये हो गया आपका सेकेंड प्रोसेस इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ठीक है आगे बढ़े चलिए एडाइबेटिक प्रोसेस पढ़ने के बाद तीसरी प्रोसेस और चौथी प्रोसेस एक साथ लिख देता हूं मैं तीसरी इज आइसोबैरिक प्रोसेस एंड चौथी इज आइसोकोरिक प्रोसेस नाउ व्हाट इज आइसोबैरिक वेयर चेंज इन प्रेशर इज जीरो प्रेशर में कोई बदलाव नहीं आएगा अब अगर प्रेशर में कोई बदलाव नहीं आएगा तो आपको जो कर्व मिलेगा वो सिर्फ वॉल्यूम में बदलाव आएगा तो ये कर्व आपको कांस्टेंट टाइप मिलेगा यानी ऐसा इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम जरूर बदला लेकिन प्रेशर जो था वही रहा तो इस तरीके के कर्व को बोलेंगे आइसो बैरिक कर्व और वही अगर अपन बात करें आइसो कोरिक की मतलब यहां पर वॉल्यूम के अंदर सिस्टम के कोई बदलाव नहीं आ रहा है आपने कोई केमिकल रिएक्शन वगैरह कुछ भी कर दिया सब बदल गया वॉल्यूम नहीं बदला तो इस कर्व में प्रेशर तो बदला होगा वॉल्यूम नहीं बदला तो आपको कुछ ऐसा कर्व मिल जाएगा ये आपका इनिशियल प्रेशर ये आपका फाइनल प्रेशर लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ तो इसको बोलेंगे आइसो कोरिक तो क्या ये चार तरीके के प्रोसेस आपको मेरे को पढ़ाने थे जो हमने पढ़े एक बार जरा इसको नोट कर लीजिए देन एक लास्ट प्रोसेस पढ़ेंगे जो काफी ज्यादा मजेदार है। है लुक चलो पांचवी प्रोसेस जो काफी इंपॉर्टेंट है जिसे बोला जाता है साइक्लिक प्रोसेस साइक्लिक प्रोसेस क्या मतलब देखो कोई कर बना मतलब लेते पीवी वॉल्यूम प्रेशर मान लो केमिकल रिएक्शन की शुरुआत में ये प्रेशर और ये वॉल्यूम रहा यहां से आप मां कर लो ये प्रेशर और यहाँ पर यहाँ पर वॉल्यूम रहा होगा केमिकल प्रोसेस आगे बढ़ी आगे बढ़ी तो यहाँ पर प्रेशर तो रहा, लेकिन वॉल्यूम चेंज हो गया फिर प्रोसेस आगे बढ़ी अब यहां पर देखो वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहा लेकिन प्रेशर चेंज हो गया पी फिर प्रोसेस आगे बढ़ी यहां पर अगेन प्रेशर तो कांस्टेंट रहा लेकिन वॉल्यूम फिर कुछ चेंज हो गया प्रेशर तुम्हारा सेम रहा लेकिन वॉल्यूम तुम्हारा यहां चेंज हो गया और फिर प्रोसेस आगे बढ़ी तो P1, के बराबर मतलब ऐसी प्रोसेस को बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस यानी ऐसी प्रोसेस जिसकी इनिशियल एंड फाइनल स्टेट फंक्शन या स्टेट वेरिएबल सेम हो

सच प्रोसेस आर कॉल्ड एज साइक्लिक प्रोसेसेस कोई दिक्कत कोई परेशानी अच्छे से बात क्लियर हो गई चलिए तो गाइस आज का वीडियो अब हम यही खत्म करेंगे अब मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये बेसिक बातें क्लियर हो, हो गई होगी हम थर्मोडायनेमिक्स में ऑफिशियली एंटर कर चुके हैं कल की क्लास में, में हम लोग अब स्टार्ट करेंगे टोटल इंटरनल एनर्जी के बारे में पढ़ना इंटरनल एनर्जी वर्क और हीट करते, करते वक्त कैसे चेंज होगी वो हम लोग देखेंगे और तो जब आप वर्क और हीट अच्छे से समझ लोगे तब, लोगे, तब आप लोग थर्मोडाइनेमिक्स के फर्स्ट लॉ की तरफ बढ़ोगे तो गाइस तो कल का वीडियो भी थोड़ा लंबा होने वाला है जिसमें हम लोग थर्मोडाइनेमिक्स के फर्स्ट लॉ को पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं या उसके बाद वाले वीडियो करेंगे तो गाइस अब कमर का स्लो अब स्टार्ट हो रहा है रियल थर्मोडाइनेमिक्स आज के वीडियो को बार बार देखो